हाँ बेटा प्रॉपर्टी फाइव। हाँ तो बेटा प्रॉपर्टी फाइव कहती है क्या? देखो बेटा ये लिखा है कि अगर किसी एक डेट में किसी एक रो के कुछ एलिमेंट दो अलग अलग नंबर्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखे हैं बेटा, तो वो पूरा डेट अलग अलग दो डेट्स में ब्रेकअप हो जाएगा। देखो a1 x plus बेटा b1 y plus a1 plus x b1 plus y plus c1 plus z a2 b2 c2 a3 b3 plus c3। तो आपके पहले डेट में क्या होगा, आपके आगे वाले एलिमेंट आगे वाले डेट में आ जाएंगे बेटा। बाकी दो रो तो सेम ही रहेंगी, बस ये बेटा जो आपके बाकी बेटा जो एलिमेंट लिखे हैं प्लस में वो पीछे वाले डेट में लिख दिए जाएंगे। अगेन आप यहां फिर से बार लगा लीजिएगा। This is the property. देखो, if each element of any row or column can be expressed as a sum of two terms, then the whole debt can be expressed. तो बेटा पूरा debt अपने आप में जो है दो अलग अलग determinants की sum के form में express किया जा सकता है। बेटा result can be generalized. बेटा ये लिखने का मेरा मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ तीन तीन संख्याएं होती a1 plus x plus p, b1 plus y plus q, c1 plus z plus r, तो मैं इसके तीन डेट बनाता। ठीक है बेटा, ये है इस लाइन का मतलब। ठीक है बेटा, कि ये बेटा रूल जो है जनरलाइज होता है मेनी टर्म्स का, n नंबर टर्म्स के लिए, n नंबर टर्म्स के लिए दिस रूल कैन बी जनरलाइज्ड। ठीक है, चलो इस बेटा प्रॉपर्टी पे एक सवाल करते हैं। खैर सवाल तो ट्वेल्थ के लिए तो कोई आपको करो। अगेन बेटा आप यहाँ जो है एक बार ड्रॉ कर लीजिएगा, मैं सवाल कराता हूँ। इस तरह और भी डेट लिखे होंगे, जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आपको नेचुरल नंबर की एक सीरीज दिखाई पड़ेगी 1 प्लस 2 प्लस 3 और 2। ठीक है, ये बाकी दो कॉलम्स बड़ा सेम है, ये कांस्टेंट ऐसे ही लिखे रहेंगे हर डेट में। जब इन्हें ऐड कर लोगे तो ये दो कॉलम सेम रहेंगे, बस आपका पहला वाला कॉलम अपने आप में नंबर्स का आपको सम दिखा रहा होगा। सवाल कुछ वैसे लिखा है, सॉरी यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा
जब इन्हें डैश होता है ऐड करोगे तो 1 + 2 + 3 होता अप टू n दिखाई पड़ेगा, तो नेचुरल नंबर्स का सम होता है n + n (n+1/2) 1 + 3 + 5 का ऑड नंबर सीरीज, ऑड नेचुरल ऑड नंबर्स की सीरीज का सम, ऑड नेचुरल नंबर्स की सीरीज का सम का आंसर होता था n² बटा इस सीरीज का सम आएगा, आप चेक कर सकते हैं n(3n-1/2) बटा हमने अल्टीमेटली ये ऑब्जर्व किया कि ये दो कॉलम क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, बटा आइडेंटिकल आ रहे हैं, तो इन दोनों का आंसर क्या था, इस पूरे डेट का आंसर क्या आएगा, था 0 आएगा। हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम है तो आंसर क्या आता है, 0। चलो आगे चलते हैं बेटा, इसे आप लिख लीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्रिएट करने में करते हैं ताकि हम एक्सपेंड कराने हमें
इजी पड़ेगा, ठीक है बेटा। जहां पॉसिबल हो वहां आप बेटा अपनी संख्याएं जो है डायरेक्ट में से रो या बेटा कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं। बेटा आप जो है मतलब कहते हैं आप एक ऐसी रो और कॉलम क्रिएट करने के लिए स्विच ओवर आप वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। अल्टीमेटली प्रॉपर्टी का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये सवाल हम अपना 12th में करेंगे, 11th में इनको करने की नीड नहीं है। यहाँ से आपका 12th का पार्ट स्टार्ट होता था, तो आपको मैं 12th में पढ़ाऊंगा। मैं कुछ सवाल ये छोड़ रहा हूँ, अब हम इसके बाद करेंगे, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये आपने से इक्वेशन जो है 10th में देखी होगी, भले भाती आपने पढ़ी भी होगी। अब इन पर एक्चुअली कॉन्सेप्ट आता है, ये भी आपने पढ़ रखा होगा, मैं आपको बता दूँ। आपको ध्यान होगा कि जब हम रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते थे तो a1 by a2 अगर ना इक्वल नहीं है b1 by b2 के, तो उन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन हुआ करता था। बेटा मैं ये बात जो है लिख देता हूँ, ये लो। बाइसेक्टर की लेंथ का फॉर्मूला ये होता है AD = 2 into BC
बी आपके बिना साइड ए ले रही है प्लस सी ले रही, तो बी सी अपॉन में बी प्लस सी इंटू कॉस ए बाई टू, तो इंटू बी और सी साइड का अपॉन में बी और सी का सम इंटू में कॉस और दैट हाफ एंगल। ठीक है बेटा, ये आई अपने आप में इन सेंटर कहलाता है बेटा, और ये इन सेंटर वो पॉइंट होता है जहां पर जब आप एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स के, जब एक ट्राइंगल के अंदर बेटा तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर, एंगल ए का बाइसेक्टर बेटा ये आपका ए डी, एंगल का बी का बाइसेक्टर ये वाला बेटा, और सी का ये वाला, जब ये तीनों एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर कट करते हैं दैट पॉइंट इज, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, दैट पॉइंट ये आई आपका कहलाता है इन सेंटर, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, जहाँ पर एंगल के ट्रायंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर मीट करते हैं वो पॉइंट अपने आप में कहलाता है इन सेंटर। इन सर्कल की बात करते हैं बेटा, वो सर्कल जो ट्रायंगल के अंदर बनता है और ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करता है, और यू कैन से कि ट्रायंगल की तीनों साइड जिस सर्कल पर टेंजेंट होती हैं बेटा वो सर्कल कहलाता है इन सर्कल, और इस इन सर्कल की रेडियस कहलाती है इन रेडियस, क्या था इन रेडियस, और उसका फार्मूला होता है स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा y s, डेल्टा क्या बेटा, डेल्टा आपके ट्रायंगल का एरिया है और s क्या बेटा डायमीटर है, डेल्टा y s इज इक्वल टू इन रेडियस। As I told you, कि ये है बेटा आपकी इन रेडियस, उसका फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा बाई एस, डेल्टा क्या होता है ट्रायंगल का एरिया प्लस का परिमाण। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, ऑल्टीट्यूड ये आप जानते ही हैं, ठीक है ऑल्टीट्यूड। ठीक है अब इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, वहां ये लिखा हुआ था उस पॉइंट ये लिखा हुआ है कि एक ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल में एक वर्टेक्स से, हर एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर, तो इस तरह से ये तीनों परपेंडिकुलर जहां कट करते हैं दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। हमने यहां दो बात सीखी, क्या था कि ट्रायंगल में सामने वाली साइड पर एक वर्टेक्स से जो डालते हैं ऑल्टीट्यूड दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ठीक है तो उसे आप दोनों बात हो सकते हो, उसे आप ऑल्टीट्यूड कहो बेटा या परपेंडिकुलर कहो, मेन बात ये है कि एक ट्रायंगल में तीनों वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर्स जहां कट करते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। फिर बोल रहा हूं एक ट्रायंगल में तीनों वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर्स जिस पॉइंट पर कट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर का, और इसे कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। आगे ये बात भी आपको मिलेगी। मीडियन लाइन जॉइनिंग वर्टिकल मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, देखो बेटा एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर गिरने वाली लाइन क्या होती है बेटा मीडियन, और एक ट्रायंगल में मीडियन कहां कट करती है ना दैट इज मीडियन बेटा सेंट्रोइड, ये पॉइंट बेटा अपने आप में सेंट्रोइड कहलाता है और इसे हम जी से डिनोट करते हैं, ये बात भी आपको यहां लिखी मिलेगी। फिर सुनो गौर से बेटा, एक ट्रायंगल में तीनों साइड तीनों वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली तीनों लाइन जहां कट करती हैं ट्रायंगल में हर एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली जो तीन लाइंस हैं दैट मीडियंस, जहां तक मीडियंस कट करती हैं वो पॉइंट क्या होता है सेंट्रोइड होता है। तो आगे चलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ तो बेटा पढ़ते हैं, देखो आप जानते हो कि एक लाइन पर एक लाइन सेगमेंट को बीच में से 90 डिग्री पर कट करने वाली लाइन कहलाती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मेन बात ये है कि बेटा इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हर पॉइंट जो है, मान लो अगर यहाँ पर
इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आने वाला हर एक पॉइंट, अगर इसकी बात करें आप इसकी बात करें इसकी बात करें, हर एक पॉइंट इन दोनों पॉइंट से, इन दोनों फिक्स पॉइंट से बराबर डिस्टेंस मेंटेन करता है। अगर इसकी बात करें तो ये सारी दूरियां आपस में क्या करता है, बराबर है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आने वाला कोई भी पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है। Any point on the perpendicular bisector is at equal distance from A and B. ठीक है बेटा, आप जानते ही हैं मान लो इसका बेटा पॉइंट का नाम O है तो O A बेटा O के बराबर है, या P है तो P A के भी क्या बेटा P A के भी बराबर है। ठीक है, सर्कम सर्कल एक ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में हर एक साइड, एक ट्रायंगल में हर एक साइड का, हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीन होंगे बेटा, इसका ऐसा आएगा ऐसा आएगा ऐसा आएगा ऐसा आएगा, तो एक ट्रायंगल में तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां कट करते हैं बेटा वो आपका पॉइंट कहलाता है सर्कम सेंटर, और बेटा इसे हम ओ से डिनोट करते हैं। फिर से बात सुन लो, एक ट्रायंगल में तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां कट करते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, और तो सेंटर को आप सेंटर से ओ को रेडियस लेकर आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये कहलाएगा आपका सर्कम सर्कल, और ये ना जो ओ से लेकर ए या ओ बी या ओ सी डिस्टेंस है आपका दैट आर इज कॉल्ड सर्कम रेडियस। फिर से बोलता हूं सुन ध्यान से, एक ट्रायंगल में तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां कट करते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, उसे बेटा ओ से डिनोट करते हैं। ओ से ए तक या ओ से बेटा बी तक या ओ से सी तक किसी डिस्टेंस को आप रेडियस मानकर सर्कल ड्रॉ कर लें तो बेटा वो सर्कल जो है आपके हर एक ट्रायंगल के हर एक वर्टेक्स के ऊपर जाएगा बेटा। ठीक है, दैट सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल, और सर्कल की रेडियस क्या कहलाएगी, सर्कम रेडियस। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर एच और सर्कम सेंटर को ये दोनों जो है इस ट्रायंगल की सर्कम ट्रायंगल के पैरामीटर ट्रायंगल की बाउंड्री पे लाई करते हैं। फिर से बात सुन लो, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर दोनों ट्रायंगल की बाउंड्री पे ही लाई करते हैं। ठीक है, ये यहाँ क्यों लाई कर रहा है, थोड़ा सिंपल सी बात है, सभी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के ऑल्टीट्यूड्स जहाँ कट करते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, और ये साइड्स तो अपने आप में ही क्या है परपेंडिकुलर जी, और ये आपने थर्ड ऑर्डर पर दी परपेंडिकुलर, तो तीनों जहाँ कट करते हैं वो अपने आप में 90 डिग्री वाला वर्टेक्स होता है दैट इज ऑर्थो सेंटर, और ये आपका सर्कम सेंटर। ठीक है, लो इसे लिखें, यहां पर ये लिखा है कि हर बड़ा चाहे ट्रायंगल कैसा भी हो सेंट्रोइड और इन सेंटर तो ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेंगे, लेकिन बेटा ऑर्थो सेंटर एच और सर्कम सेंटर को बेटा डिपेंड करता है ट्रायंगल कैसा है। देखो बेटा, अगर आपका ट्रायंगल एक्यूट है, अगर बेटा आपका ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो आपका ये ऑर्थो और सर्कम ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। अच्छा, और अगर बेटा आपका ट्रायंगल जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो अगर आपका ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता तो आपका ये ऑर्थो और सर्कम सेंटर जो है ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा बेटा, और अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपका ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर ट्रायंगल की पेरिफेरी यानी कि उसका पेरिमीटर सर्कमफेरेंस बाउंड्री पर लाई करेंगे। ये बातें लिखिए, ये बहुत मेन बात है, इसे नोट कर लो, ये रेशो है, यानी कि जब एक ट्रायंगल के अंदर ये तीनों चीजें आती हैं, मैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, आप किसी भी ट्रायंगल की बेटा बात कर लो, जब ये तीन पॉइंट्स अपने आप में फ्रेम होते हैं तो सेंट्रोइड जो पॉइंट होता है सेंट्रोइड से बेटा ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर सेंट्रोइड पॉइंट इन दोनों के बीच 2:1 का रेशियो मेंटेन करता है। इसे आप कुछ इस तरह समझें, यहां पर ही जी है,
तो यहाँ कहीं एच है बेटा, तो यहाँ बहुत ही पास में है, ताकि आपको लगे कि हाँ 2 एक का रेशो मेंटेन हो रहा है बेटा। ये आपका 2 एक का रेशो कुछ इस तरह की बात लिखी है, सेंट्रोइड जो है सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच 2 एक का रेशो मेंटेन करता है, ठीक है। चलो क्वाड्री लेटरल अभी बात करते हैं इसकी, अभी बात करूंगा, पहले आप ये लिखो नोट। हम ये पढ़ चुके हैं ट्रायंगल सबका, हां सॉरी ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में, कि एक एन साइडेड फिगर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम का ज्योमेट्रिकल फार्मूला क्या होता है, n माइनस 2 इनटू पाई, n माइनस 2 इनटू पाई। चलो अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट टाइप्स की। पैरेलोग्राम ये बेटा कुछ अपने आप में नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस लिखी हैं जिनके बेस पर हम ये दावा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि हाँ ये अपने आप में पैरेलोग्राम है। देखो अगर हम ये प्रूव कर दें, अगर हम ये कह दें, अगर हम ये दावा ठोक दें कि हाँ एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स का बेटा जो पेयर है वो पैरेलल और इक्वल है, देन वी कैन से कि हाँ दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेलोग्राम। अगर बेटा हम ये कह दें कि बेटा इस क्वाड्रिलेटरल में अगर आपके जो एडजेंट एंगल बेटा वो अगल बगल आपके जो एंगल है जो इन एंगल्स का, अगर हम ये दावा कर दें कि इन एंगल्स का सम कितना है 180 है या इन एंगल्स का सम 180 है, तो बेटा बहुत कॉमन सेंस की बात है कि इन एंगल्स का सम और या इनका सम 180 तभी होगा जब ये लाइंस पैरेलल होंगी, और इससे हम ये साबित कर सकते हैं कि ये लाइंस बेटा पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो अपने आप में क्या बन जाएगा बेटा पैरेलोग्राम, ठीक है। और पैरेलोग्राम के अंदर बेटा पैरेलोग्राम के अंदर डायगोनल्स क्या होते हैं बाइसेक्टेड, ये आपका ओ पॉइंट है, तो ये मान लो कि अगर आपने एसी पहले ड्रॉ किया तो बीडी जो है इस एसी को बेटा कहते हैं बाइसेक्ट करेगा ओ पॉइंट पर, यानी कि ओए और ओसी बराबर है, सेम फॉर बीडी, ओबी बेटा और ओडी जो है बराबर होगा। अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है कि पैरेलोग्राम के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ओए ओसी बराबर है, O A O C इक्वल है और O B O D के इक्वल है, ठीक है बेटा। अब हम इसके जो है एरिया की बात करते हैं, पैरोग्राम बेटा पैरोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। देखो बेटा एरिया ऑफ पैरोग्राम, अब इसकी बात करता हूँ जो मेरे को पहले